अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस चैप्टर चैप्टर नंबर वन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स एक्सरसाइज. हेयर आर द क्वेश्चंस एंड आई हैव रिटन हेयर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट वील रीड द क्वेश्चन एंड देन द आंसर. Answer the following questions. What made the Rasool sallallahu alaihi wasallam famous even before Nabuwat? Nabuwat से पहले किस चीज़ ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशहूर किया या किस वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हुए? An answer to the question is his honesty and fair dealing in business made him famous even before his Nabuwat. ठीक है, ऑनेस्टी ईमानदारी की वजह से और मुनसफाना लेन देन की वजह से कारोबार में वो अपनी नबूवत से भी पहले मशहूर हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड हज़रत खदीजा डिसाइड टू मैरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत खदीजा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का फ़ैसला क्यों किया? हज़रत खदीजा वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग इन बिजनेस. हज़रत खदीजा मुतासिर हुई थी किस चीज़ से? उनकी ईमानदारी से और कारोबार में मुनसफाना लेन देन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्ट हिज कंपेनियंस टू बी फेयर इन बिजनेस डीलिंग. इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या? हिदायत देना. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को कारोबारी लेन देन में मुनसिफ रहने की क्यों हिदायत दी थी? द रसूल ऑलवेज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्टेड हिज कंपेनियंस टू बी फेयर इन बिजनेस डीलिंग बिकॉज द ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट इज एसोसिएटेड विद अंबिया द अपराइट्स एंड द मैटर्स. What is the impact of avoiding doubtful things in business dealing? Avoiding का मतलब होता है बचना. Doubtful things मशकूक चीज़ें. Avoid का मतलब हो गया बचना. मशकूक चीज़ों से बचने का क्या impact है, मतलब क्या असर होता है हमारी ज़िंदगियों में अगर हम मशकूक चीज़ों से बचें तो. He who avoids doubtful things keeps his religion and honor blameless. तो जो शख्स जो है वो मशकूक चीज़ों से बचता है वो अपने मज़हब को और अपनी इज़्ज़त को महफूज रखता है. ब्लेमलेस का मतलब ये होता है बेदाग रखना, यानी उसके किरदार पे और उसके मज़हब पे कोई आंच नहीं आती, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं महफूज रखता है. हाउ कैन वी बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आर डीलिंग्स. हम अपने कारोबारी लेन देन में और हाँ जी लेन देन में कैसे ईमानदार और मुनसिफ हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वी कैन बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आर डीलिंग बाय फॉलोइंग द एग्जांपल्स ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सुनहरी मिसालों पर अमल करके ख़ुद को मुनसिफ और ईमानदार बना सकते हैं. अच्छा चलें देखें, आज मैं आपको कंपोजिशन का काम देने वाली हूँ. टू लेटर्स मैंने आपको करवाने हैं, ठीक है? पहले बल्कि मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है ना वो आपको पढ़ा देती हूँ. एक लेटर ये देखें, ये है लेटर, लेटर टू फ्रेंड फॉर अ लोन ऑफ बुक. आज मैं आपको टू लेटर्स करवाने वाली हूँ क्योंकि कंपोजिशन जो है वो आपका सिलेबस मैंने कंप्लीट करवाना है जल्दी जल्दी, ठीक से. अब आपने इसको साथ, ताकि आप इसको साथ साथ याद करते रहें ग्रामर का, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवा दिया करूँगी और साथ में मैं आपको कंपोजिशन रिवाइज़ करने के लिए साइन कर दिया करूँगी. तो वो तो मैं तब भी कर पाऊँगी ना जब आपके पास नोट्स होंगे. तो ये मैं जो आपको कंपोजिशन यहाँ करवा रही हूँ इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपके नोट्स बनते जाएँ साथ साथ, ठीक है ना. तो अब आपने ना, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे नहीं क्लास को अटेंड कर रहे, तो वो नहीं कर रहे तो वो कैसे नोट्स बनाएंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा वो कैसे नोट्स बना पाएंगे अपने ना. तो आपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या क्लास फेलोज हैं तो उनको बताइए कि वो क्लासेस अटेंड करें तो एटलीस्ट वो अपने नोट्स तो प्रिपेयर करें, तो फिर वो उसको याद करते रहेंगे ना. चलें तो अब ये देखें आप, ये मैं आज आपको दो लेटर्स करवाने लगी हूँ, ठीक है. आप बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह से, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं. तो ये लेटर है लोन ऑफ बुक, यानी कि किसी अपने दोस्त से किताब उधार मांगने के लिए. एग्जामिनेशन हॉल, इसके बाद कॉमा सिटी, एबीसी, एबीसी में डॉट आ जाएगा दरमियान में. March 30, 2021. फिर है जी डियर फ्रेंड, आगे कॉमा.
आई एम फाइन एंड आई होप यू विल बी फाइन टू एज़ यू नो माई एग्ज़ाम्स आर एट हैंड, मतलब मेरे इम्तिहानात जो हैं वो करीब हैं। आई हैव लॉस्ट माई उर्दू बुक, मेरी उर्दू की किताब गुम हो गई है। आई रिक्वेस्ट यू टू लैंड मी योर उर्दू बुक, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपनी उर्दू की किताब उधार दे दें। आई शेल यूज़ इट विद ग्रेट केयर, मैं इसे बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करूँगा। आई शेल रिटर्न इट टू यू सून, मैं जल्द ही आपको ये वापस कर दूँगा। विद बेस्ट विशेज, नेक तमन्नाओं के साथ, योर सिंसेयरली एक्स वाई जी। अच्छा, एक चीज़ ये कि लेटर जो होते हैं ना, ये टू द पॉइंट एप्लीकेशंस और लेटर्स, ये टू द पॉइंट लिखने होते हैं। इसको ना ज़्यादा बढ़ाना चढ़ाना नहीं होता, बस जितनी बात हम कहना चाहते हैं ना उतनी बात कह दी जाती है। अच्छा, एक और लेटर है, वो है अलोन ऑफ, पता नहीं आपकी सैप में है कि नहीं, ये मैं आपको 8th की सैप से करवा रही हूँ ना, लोन ऑफ कैमरा, ये है पेज नंबर 209। आपने ये ख़रीदनी नहीं है, आपने लेनी अपनी 7th वाली ही है। ये मैं आपको यहाँ से वैसे ही करवा रही हूँ। तो एक मैंने राइट कर दिया था, वो इसमें था भी नहीं, और वो मैंने इसलिए राइट किया था कि आपको पैटर्न समझा सकूँ एक दफ़ा फिर से। वैसे मैंने आपको पहले भी एक लेटर करवाया था तो आपको पैटर्न दिखाने के लिए। बाकी ये है कि इसमें से आप बॉडी इसी की लेटर की फॉलो करेंगे, लेकिन पैटर्न जो है वो आप उस लेटर का फॉलो करेंगे जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ अभी। अब ये वाला जो लेटर है, ये भी फ्रेंड ही के नाम है, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको 2 लेटर्स करवा रही हूँ। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू लेंड अ कैमरा, ये कैमरे के लिए है, पहले मैंने आपको जो करवाया वो बुक के लिए था, ठीक है ना। और ये दोनों लेटर्स ना आपने लिखने हैं, राइट, रिटर्न फॉर्म में, होमवर्क में आपने रिटर्न में लिख के स्कूल में सबमिट भी करवाने। ये चीज़ जो है ना, ये इधर आएगी, ये आपके स्कूल के पैटर्न में है, राइट साइड पर होती है, एग्जामिनेशन हॉल वगैरह, मतलब स्टार्टिंग जो है, और जो एंडिंग है वो आपकी होती है इधर लेफ्ट हैंड साइड पर। अभी मैंने आपको पैटर्न दिखाया है ना, देखें ज़रा, ये नीचे ही पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये इधर से स्टार्ट करना है, एंडिंग इधर करनी है, बॉडी आप इसकी ये वाली ले लेंगे, ठीक है। डेयर फ्रेंड की जगह आप माई डेयर, ये जैसे असलम लिखा हुआ है तो कोई भी आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। यू नो दैट आई एम गोइंग टू मरी विद माई पेरेंट्स फॉर अ वीक, आई विश टू टेक सम फोटोग्राफ्स ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेसेस देयर, यू नो, ये वाई कैपिटल आएगा, ठीक है। यू नो दैट माई कैमरा इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब मेरा कैमरा ख़राब है, प्लीज़ लेंड मी योर कैमरा फॉर अ वीक, आई शेल टेक केयर ऑफ इट एंड रिटर्न टू यू सून, विद बेस्ट विशेज आ गया, और फिर ये सिंसियरली आ जाएगा, ठीक है। ये 2 लेटर्स हैं आपके, ये 2 लेटर्स आपने अच्छे से याद करने हैं, और जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं वो भी आपने अच्छे से याद करने हैं, और फिर उसके बाद आपने ये दोनों लेटर्स लिख के आपने रिटर्न होमवर्क के तौर पे स्कूल में सबमिट भी करवाने हैं, ठीक है। ये हम आपकी ब्लैंक्स भी देख लेते हैं, साथ ही थोड़ी सी ब्लैंक्स हैं, ये बहुत इजीली आप अपनी बुक में से कर लेंगे। इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर, द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग स्किल्स। ट्रेडिंग स्किल्स क्या होता है? तिजारती महारतें। द ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट इज एसोसिएटेड विद अम्बिया एंड अपराइट्स एंड द मार्टर्स। ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डाउटफुल थिंग्स कीप्स हिज रिलीजन एंड हिज ऑनर ब्लेमलेस। और है, अल्लाह शोज मर्सी टू द मैन हु इज काइंड व्हेन ही सेल्स, व्हेन ही बाइज एंड व्हेन ही मेक्स अ क्लेम, ठीक है। और ये देखें ज़रा, ये आपने ब्लैंक्स यहाँ से देख के फिल करने हैं। अ पर्सन हु सेल्स ऑन द वाटर, जो पानी पर चलाता है, कोई कश्ती या बोट वगैरह, वो क्या कहलाता है? सेलर कहलाता है। अ पर्सन हु एक्ट्स इन अ प्ले, जो किसी भी ड्रामे में एक्टिंग करता है, वो क्या कहलाता है? एक्टर। अ पर्सन हु टेल्स अ लाई, जो झूठ बोलता है, इज कॉल्ड लायर। अ पर्सन हु बेग्स इज कॉल्ड बेगर, जो मांगता है वो फ़कीर कहलाता है। अ पर्सन हु हैज स्टडीड लॉ इज कॉल्ड लॉयर, जिसने वकालत पढ़ी हुई होती है वो वकील कहलाता है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज भी हो गई। अब आपने क्या करना है, आपको जो 2 लेटर्स दिए हैं वो आपने याद भी करने हैं, लिखने भी हैं, और इसके साथ क्वेश्चन आंसर्स जस्ट आपने याद करने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।